My dear student, very good morning. Today we are going to start a new topic of the same chapter, Limited Liability Partnership. As you all know very well that we are having different type of companies. जैसे कि हमारे पास companies होती हैं कई तरह की, जैसे private limited company, public company, multinational company. Likewise हमारे यहाँ partnership का भी एक और नया form market में आया. It was emerged in the year 2008, Limited Liability Partnership Act. 2008, which came into effect, into existence on 31st of March 2009. पहले ये वजूद में आया, उसके बाद ये working effect में आया 31 मार्च 2009 को. इसमें क्या होता है, limited liability partnership में, इसमें partnership act 1932 applicable नहीं होता, बल्कि इसका अपना अलग act है. Companies act जो है more or less उसके सेम होता है. जैसे कंपनीज में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की, ऐसे यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है. मींस के जॉइंट लाइबिलिटी नहीं है. पहले क्या होता था पार्टनरशिप फर्म्स में कि पार्टनर्स की जॉइंट लाइबिलिटी होती थी. किसी एक पार्टनर की वजह से फर्म को कोई लॉस हुआ या फर्म को कभी भी कोई भी लॉस हुआ, कोई बर्डन आ रहा है, तो उसका सबका डायरेक्ट इफेक्ट पार्टनर्स पर पड़ता था और पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको मीट आउट करना होता था, किसी भी लॉस को, एक्सपेंसिस को, एंड सो एंड सो फोर्थ. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी पर्सनल, किसी पर्टिकुलर पार्टनर की किसी एक्टिविटी से, किसी इन्वॉल्वमेंट से, किसी डिसीजन से अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो वहाँ पर वही पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, अदर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट थिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. जैसे कि नाम दिया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस. जितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, उतनी ही एक्सटेंट तक हमारी लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फॉर्म में. इट इज ए पार्टनरशिप बिजनेस. ये अलग तरह का, एक और तरह का पार्टनरशिप बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म की ही तरह है, बस इसमें कुछ एडिशनल फीचर दे रखे हैं. किस तरह के फीचर दे रखे हैं, लाइक इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. यहाँ पे लीगल एंटिटी है. पार्टनरशिप फर्म क्या है, लीगल एंटिटी होती है बट सेपरेट नहीं होती पार्टनर्स से. यहाँ पर ये सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द पार्टनर्स. नेक्स्ट थिंग इज दैट रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आर ओ सी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज इज द अथॉरिटी टू रजिस्टर एंड कंट्रोल द एल एल पीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. रजिस्टर ऑफ कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है, ऑथराइज पर्सन है, अथॉरिटी है, जो कि कंपनीज की तरह जैसे कंपनीज को रजिस्टर करवाता है, ऐसे ये ही रजिस्टर करता है, कंट्रोल करता है किसको, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को. एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. सो At least one of the partners must be an Indian national and the citizen of India. एक और चीज भी ध्यान करने योग्य है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह के पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए कोई भी कम से कम एक पार्टनर हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड इंडियन नेशनल हो. सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय निवासी, भारत का निवासी हो, रहने वाला हो. इंडियन नेशनल जिसकी नेशनैलिटी इंडियन हो, जो कि इंडियन ही हो. आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. पहली चीज क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनरशिप, ये वाली पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है. नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. यहाँ पर भी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दो होने चाहिए जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स में होता है, लेकिन अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देयर इज नो लिमिट एट ऑल. पार्टनरशिप फॉर्म्स में आपने देखा था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वहां पर मैक्सिमम लिमिट 50 होती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2014, लेकिन यहां पर क्या है, वो रूल एप्लीकेबल नहीं है. यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं होती. थर्ड थिंग इज दैट ए पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स. कोई भी एक पार्टनर अन्य किसी पार्टनर के अनऑथराइज्ड एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, वो लायबल नहीं है. फोर्थली ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी. ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि LLPs लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. अब कंपनीज एक्ट के तहत तकरीबन ये चल रहा है तो कंपनीज एक्ट की सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका अपना एक एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के, अपने पर्सनल है. तो यहां पर जैसे कि कंपनीज में होता है कि ऑडिट जो कंपलसरी होता है, हर कंपनी को अपना एनुअल ऑडिट करवाना होता है, यहां पर ऑडिट कंपलसरी मैंडेटरी कतई नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज दैट मिनिमम कैपिटल. मिनिमम कैपिटल के बारे में कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए. जैसे कंपनीज
के केस में होता है, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 1 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, लाइक दैट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कोई कंपल्शन, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सब्जेक्ट टू टैक्स एज अदर पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ पर जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे, टैक्स जो है टैक्स वगैरह कैसे लिया जाएगा, तो जैसे पार्टनरशिप फर्म्स पे टैक्स वगैरह लगते हैं, सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी टैक्स वगैरह लिया जाएगा। प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या है, सर्टेन प्रोविजंस आर देयर विच आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन कुछ वो चीजें जो कि सरकार ने, भारतीय सरकार ने या भारत सरकार ने कुछ प्रोविजन बनाकर दिए, कुछ कहा कि यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी, मींस जो पार्टनर फर्म में बिजनेस कर रहे हैं अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते हैं, उस केस में लड़ाई झगड़े ज्यादा ना हो, प्रॉब्लम ज्यादा ना पड़े, इसलिए पहले ही कुछ प्रावधान रख दिए, कुछ प्रोविजन रख दिए कि इनको फॉलो किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर एक, पहली चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड में नहीं लिखते हैं कि आपस में पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट का प्रावधान है, पहला नंबर एक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल को कोई कहता है पार्टनर मैंने 10 लाख रुपीज दिए, दिस पार्टनर हैज पेड ओनली 5 लाख रुपीज, तो हमारे जब कैपिटल डिफरेंट है, मेरा 10 इससे डबल है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नो, आपको अगर कुछ कहना है तो पहले पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट पे आप रिटर्न में लाइए। अगर पार्टनरशिप डीड एक बार बन गई और आपने उसमें नहीं लिखवाया, देन यू विल नॉट बी एंटाइटल टू रिसीव और गेट एनी इंटरेस्ट इन कैपिटल। मींस के प्रावधान ये कहता है, प्रोविजन ये कहता है, या तो डीड में लिखा हो तो जिस रेट से लिखा हो इंटरेस्ट इन कैपिटल देंगे, अगर डीड में नहीं लिखा है तो कैपिटल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नॉट एट ऑल। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स फर्म से पैसे विदड्रॉ करते हैं टेम्पररी, उस केस में ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, फर्म की इनकम होती है। अब किस रेट से किया जाएगा, अगर फर्म ने, अगर पार्टनर्स ने पहले डीड में लिख लिया है कि हमारे ड्रॉइंग्स पे इस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो सेम रेट से चार्ज किया जाएगा। अगर डीड में नहीं लिखा है, देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अगेंस्ट द ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स ऑन देयर ड्रॉइंग्स। फोर्थ थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन ग्रांट करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा या कितना दिया जाएगा। अगर फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, या तो जितना डीड में लिखा होगा उस रेट से पे करेगी, नहीं लिखा होगा तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ थिंग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। सिक्स थिंग, रेमुनेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। किसी भी पार्टनर को अगर डीड में नहीं लिखा है तो सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन कुछ नहीं दिया जाएगा। यदि डीड में लिखा होगा तो जितना लिखा हो उतना देंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं देंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। हैव अ गुड डे।